हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आज के नए वीडियो में देखने वाले समान पद और अनुपात वाले सवाल हैं, उनके बेस पर से एक एग्जांपल और एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिससे कि आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या करना है इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, द्विघात अनुपात, इसका फॉर्मूला मुझे बताना है। तो क्या होता है, जैसे कि ए अनुपात बी का द्विघात पूछा गया। क्या पूछा गया है? द्विघात अनुपात। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए। मतलब कि अगर हमें कहा कि कोई डिजिट दी गई 4 और 3 का द्विघात अनुपात बताओ, तो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16:9। सीधा सा आंसर है, कैसे भी आपको स्क्वायर कर देना है। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट। ये पूछ लिया जाता है, सब डुप्लीकेट बताओ, रेशियो बताओ, तो क्या होता है उसमें? तो ये जो डिजिट दी गई वही चीज़ होती है, बस इसमें एक हल्का सा माइनर अंतर आता है। जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट बताओ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी बन जाएगा। जैसे हमने कोई डिजिट आपको दी 16:9, ठीक है, आपको ज़्यादातर रूट में दी जाएगी जिसका रेशियो निकल सके, तो आंसर होगा 16:9। तो जो आंसर बनेगा 4:3। इस टाइप का क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको फॉर्मूले के हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम कंपटीशन बेस पे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उन्हीं में आते हैं, और जिनको रेशियो के सवाल लगाते हैं जैसे 6 से 8 तक के बच्चे, उनके भी काफ़ी सवाल जरूर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।